हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी सरकार और सवाल संडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ नए सवालों के साथ और मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लिए इस सवाल संडे के लिए, क्योंकि मेरे घर पे आए हैं गेस्ट और मैंने सबको सिर्फ 5 मिनट के लिए चुप बिठाया है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने चुप बिठाया है सभी को और एक जगह मैंने खाली करवाई है अपने लिए सवाल संडे शूट करने के लिए। तो गाइज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए आए हो, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन आपको दिख जाएगा उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते सवालों की ओर। बहुत ही कम सवाल मैंने लिए हैं इस बार, सॉरी फॉर दैट। और सबसे है पहला सवाल पटेल नीरव जी का, वेज मंचूरियन वाली रेसिपी में कॉर्नफ्लावर ज़रूरी है क्या, वो पूछ रहे हैं वेज मंचूरियन वाली रेसिपी में। नीरव जी, एक्चुअली कॉर्नफ्लावर हम लोग डालते हैं जो ग्रेवी होती है उसको थिक बनाने के लिए, तो मेरे हिसाब से आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा नीरव जी, क्योंकि आपके आपको जो रेस्टोरेंट वाली जो ग्रेवी आती है ना, टेक्सचर जो आता है ना, वो आपको मिलेगा कॉर्नफ्लावर डालने से। डिजिटल उपेंद्र सैमसंग की वॉशिंग मशीन में उन्होंने बोला है, डिजिटल उपेंद्र जी ने, क्या हम कपड़े इस मशीन में सुखा सकते हैं या नहीं, और वाटर ड्रेन कैसे होगा, प्लीज़ गेट बैक एज सून एज पॉसिबल। उपेंद्र जी, एक्चुअली यस बिल्कुल, अब जो मेरी जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन है उसके सारे फीचर्स मैंने आपको शेयर किए ही है, साथ ही साथ मैंने आपको फंक्शन मैंने ऑपरेट करके भी बताया है। यस आप डेफिनेटली उसमें कपड़े सुखा सकते हो, और कुछ 70-75% आप कपड़े आराम से उसमें सुखा सकते हो, बाकी जो 30% जो बचते हैं वो हम बाहर डालते हैं ड्राई होने के लिए, पूरी तरीके से ड्राई होने के लिए। और ड्रेन, वाटर ड्रेन तो उसमें ऑटोमेटिकली होता है उपेंद्र जी, उसमें कुछ ऐसे बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका जो साइकिल है कंप्लीट हो जाएगा तो वाटर भी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ धीरेंद्र सिंह जी, हाय धीरेंद्र जी, धीरेंद्र जी बोल रहे हैं कौन सी सिटी से लिया है ये सोफ़ा। ओके सोफ़ा कम बेड की बात कर रहे हैं धीरेंद्र जी, बोल रहे हैं कि कौन सी सिटी से लिया है। वेल मैं मुंबई से हूँ, मैंने वहीं से लिया है, मुंबई से लिया है। अनिकेत गिजारे अनिकेत जी ने बोला है मैम इसकी कूलिंग कैसी है, पावरफुल है या नहीं। लॉयड का जो एसी है मैंने उसका रिव्यू किया है, मैं वो डेली, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मैं डेली उसको यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लॉयड का जो एसी है। उसको हम मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, आजकल तो सभी मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने लिया था वो मोबाइल वाला ज़्यादा नहीं एसी था, लेकिन वो लॉयड का था तो मैंने वो लिया था एंड वर्किंग सुपर्ब, इसमें एक भी कंप्लेंट नहीं आई है अभी तक, ख़राब नहीं हुआ है और ऑसम उसका जो पावरफुल जिसकी आप बात कर रहे हो, पावरफुल एसी, डेफिनेटली इट इज़ वेरी पावरफुल एसी। प्रीत धामी जी ने बोला है मैडम लिविंग रूम का साइज़ कितना है। ओके प्रीत जी ने पूछा है, लिविंग रूम का टूर कराया था मैंने, उसमें उन्होंने पूछा, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा जो साइज़ है लिविंग रूम का इट इज़ 10x12 स्क्वायर फीट का है प्रीत जी। नेक्स्ट है संध्या पांडे जी, हाय संध्या जी, संध्या जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से घर जमाया है, थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एक्चुअली इन्होंने इतने अच्छे प्यार से किया ना, मैंने इनका कमेंट ले लिया, इतने प्यार से उन्होंने कमेंट किया संध्या जी ने, थैंक यू सो मच संध्या जी। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग मुझे देते रहते हो, आप लोग व्यू मतलब वीडियोस देखते रहते हो, पसंद करते रहते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से गाइस। आज के लिए इतने ही सवाल है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इन लोगों को कि मैं कम टाइम लेने वाली हूँ, सिर्फ 5 मिनट लेने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए चैनल को, और आते रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।